हेलो जी, सलाम आदाब नमस्ते सत श्रीकाल ते जय साईं जी दी। मेरे वालों जी ते मैं तुहाडा अपना देवहीर ते तुसीं देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल देवहीर व्लॉग्स। ते जे तुसीं इस चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ ते बैल आइकन ऑन करना ना भुल्लिओ तां कि तुहानूं आउण वाली हर एक नवीं वीडियो की अपडेट अपने मिलती रहे। ते आओ शुरू करदे हां जी अज दी वीडियो। अज दी वीडियो जी मैं इस करके बना जा रहा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के उत्ते काफ़ी सारे मैसेजेस आए सी कि सानू ये जरूर दस्यो कि जे असी साईं जी का वर्त या पीर का वर्त रखना हो असी किवें रख सकते हैं। सो मैं सोचा कि मैं जरूर ये वीडियो बना के थोड़े सारे दे नाल सांझी करा। तो जी सब तो पहली गल, जे तुसी वर्त रखना चाहते हो पीर का साईं जी का, तो सब तो पहला जिन्हां दा भी तुसी वर्त रखना उन्हूं तुसी अपने दिलों अपना गुरु अपना पीर मन्निया होवे। ये नहीं कि अज साईं जी का वर्त रख लिया तो कल नूं किसी होर का वर्त रख लिया। वर्त सिर्फ उहदा रखण दा फायदा है जिन्हूं तुसी दिलों अपना मुरशद मन्निया होया। जे तुसी साईं लाजी शाह सरकार नूं अपना मुरशद मानते हो तो सिर्फ उन्होंने नाम का वर्त रखो। जे तुसी लख दत्ता सरकार नूं अपना सब कुछ मानते हो तो उन्होंने नाम का वर्त रखो। जे तुसी गौस पाक सरकार नूं अपना सब कुछ मानते हो तो तुसी उन्होंने नाम का वर्त रखो। सो मेरे कहने का मतलब यही आ कि जिहदे नाम का भी वर्त रखना तो एंड तक उहदे नाम का ही वर्त रखो, तो थोड़ा यार उही होना चाहिए, फिर ही फायदा आ, फिर ही इश्क का मज़ा आउंदा। हुण गल करदे आ जी ये वर्त रखिया जाता वीरवार को, क्योंकि वीरवार का दिन सारे पीर के दरबार के उत्ते जाते हैं। आप नकोदर भी जाते हैं, जिहड़ा जिहड़ा जिथे जिथे भी घर के कोल कोई दरबार आ सारे उत्ते जाते हैं। तो वीरवार को ज़्यादातर लोग पीर का या साईं जी का वर्त रखने की ये चाह रखते हैं। वीरवार को तुसी तड़के सब तो पहला तो 4 बजे तो पहला उठना है। 4 बजे तो पहला सवेरे तड़के उठ के नहाना, नहाने तो बाद जिथे तुसी जोत बत्ती करते हो साईं जी दी पीर दी, जिथे तुसी जोत बत्ती करते हो चिराग जगाते हो या जोत जगाते हो, नहाने तो बाद उस जगह दी तुसी सफाई करनी आ, उनू बड़ी रीझ नाल बड़ी रूह दे नाल उस जगह नू साफ करो। हो सकता तो उनू तुसी फुल्लां दे नाल भी सजा सकते हो, उत्थे फुल रख के सजा सकते हो। चिराग जगाने हो तो चिराग जगाओ, जोत जगाने हो तो जोत जगाओ, जो भी तुसी वैसे रूटीन च करते हो। सवेरे तड़के 4 बजे उठ के नहाना आ, नहाने तो बाद जिथे तुसी जोत जगाने हो उस जगह नू साफ करना, सजा भी सकते हो। चिराग जगाओ, चिराग जगाने तो बाद मत्था टेक के साईं जी दे अगे खड़ के अपने पीरां फकीरां दे अगे खड़ के जिन्हां दा भी तुसी सरूप लाया उत्थे उन्हां दे अगे खड़ के तुसी अरदास करनी आ। अरदास करके तुसी उत्थे बैठ के पाठ कर सकते हो, जो भी तुसी पाठ तुहानू आउंदा वो पाठ कर सकते हो या साईं जी का नाम लै सकते हो। 15-20 मिनट 5-10 मिनट जिन्ना भी थोड़ा जी करता उत्थे बैठ के पाठ करो, अरदास करो। चिराग लाउण तो बाद मत्था टेकण तो बाद अरदास करन तो बाद पाठ करन तो बाद जदों थोड़ा जिहा दिन चढ़दा सवेरे उदों तुसी दुध पी सकते हो, उदों तुसी दुध पी सकते हो। दुपहर नूं तुसी फल फ्रूट खा सकते हो, कोई पानी नहीं पीना, कोई अन्न नहीं खाना, सिर्फ मॉर्निंग टाइम दुध पीना ते आफ्टरनून दोपहर दे टाइम तुसी फल फ्रूट खा सकते हो। शाम नूं वीरवार दी शाम नूं तुसी साईं जी दे नाम दी पीरां फकीरां दे नाम दी न्याज बना के पीले चौल बना के मिठे जिहड़े चौल हुंदे ने उह बना के तुसी जे तां तुहाडे घर दे कोले कोई दरबार हैगा जिथे तुसी रैगूलर जांदे होवो तुसी उत्थे लिजा के उत्थे मत्था टेक के उस न्याज का भोग लगवा के उत्थे दे दरबार दे चिरागां दे विच तेल पा के अरदास करके वो न्याज तुसी उत्थे वंड सकदे हो, पर आप नहीं खाणी। जे घर दे कोले कोई दरबार नहीं हैगा तां तुसी उही न्याज का भोग अपने जिथे तुसी घरे चिराग लगाउंदे हो या जोत बत्ती करदे हो उत्थे ही थोड़ी जी न्याज अगे चिराग दे कोले कढ के अरदास करके भोग लगा के तुसी वो न्याज वंड सकते हो, पर आप नहीं खानी। तुसी पूरे दिन दे विच कोई भी माड़ा शब्द ना तुहाडे मूँह चो निकले, किसी बारे कुछ माड़ा ना तुसी सोचो, किसी बारे अपने दिल दे विच माड़ा ना रखियो कि
ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਿਆਜ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਆ। ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਅੰਨ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਤ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਆਜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਆਜ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ।